राधा रानी कैसे प्राप्त होंगी? राधा रानी का नाम का महिमा, राधा रानी का नाम का जो कीर्तन करता है दिन, वो सांस सांस में होना चाहिए। जैसे हमारा ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि एक माला करके रख दिया, दो माला करके रख दिया, सांस सांस पे नाम होना चाहिए। तो जल्दी ही राधा रानी का कृपा मिलेगा। जल्दी हर सांस में अगर राधा रानी का नाम है तो जल्दी राधा रानी मिल जाएंगी। और कोई पाठ करने से जो राधा कृपा कटाक्ष जो है, अच्छा। महादेव भोले बाबा ने बोला है राधा कृपा कटाक्ष, वो रोज अगर 108 पाठ करना है तो बहुत अलग बात है। हाँ। एक बार भी कम से कम रोज पाठ करना चाहिए। पाठ करेगा तो राधा रानी प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, और राधा रानी का नाम का जप करना पड़ेगा। अच्छा, राधा रानी का सुनो। हाँ। राधा रानी का नाम का महिमा कितना है जानते हैं? वो पुराण में लिखा है 1000 बार नारायण विष्णु का नाम के एक राम नाम बराबर है। अच्छा, 3 राम नाम को एक कृष्ण नाम बराबर है। और कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं, मम नाम सतमेव राधा नाम तदुत्तमम, जस मरे राधा राधा ने तुम नायान तो चकिम बनो। मेरा नाम कोई 100 बार भी बोलेगा उससे एक बार राधा नाम श्रेष्ठ है। जय हो कृष्ण 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 100 बार बोलेगा, 100 बार बोलेगा कोई, एक बार राधे कह दिया तो उससे भी ज्यादा भगवान खुद बोले हैं। जय हो। तो जो राधा राधा हमेशा कहता है उसका फल क्या है मैं भी नहीं जानता हूँ, भगवान बोले। भगवान कृष्ण खुद बोले, जो राधा राधा हमेशा कहता उसका फल क्या है मैं भी नहीं जानता। राधा राधा रटते राधा चले जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए।